नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कटारिया फार्मेसी में। फ्रेंड्स, आज हम इसमें देखेंगे बायो फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक की यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में देखा था एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, उसकी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड हो चुकी है, प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। अब एक टॉपिक और बचे है इसमें, वॉट इज बायोबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस, मतलब बायोबिलिटी और बायोइक्विवेलेंस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद यूनिट टू कंप्लीट हो जाएगी, तो शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं बायोबिलिटी की, क्या डेफिनेशंस होती हैं। बायो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अनचेंज ड्रग फ्रॉम इट डोजेस फॉर्म एंड बिकम अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन। इसका मतलब हिंदी में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ दोस्तों। मतलब हम कोई ड्रग लेते हैं, वो बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होती है, और मतलब जितनी मात्रा में वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाती है उसी को अपन बोलते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी में उस ड्रग की डोज को नहीं गिनते जो एब्जॉर्ब नहीं हुई है, अनचेंज है उसको नहीं गिनते। तो ये हो गई सिंपल डेफिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। इसके बाद बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग फ्रॉम इट डोजेस फ्रॉम डिपेंड्स अपॉन थ्री मेजर फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं? फार्मास्यूटिकल फैक्टर, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज आर इम्पोर्टेंट इन द फर्स्ट प्राइमरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए सूटेबल डोजेस फॉर्म फॉर ए न्यू ड्रग एंटिटी टू ऑब्टेन एविडेंस ऑफ इट्स थेरेप्यूटिक यूटिलिटी। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ इंफ्लुएंस ऑफ, किसको डिटरमाइन करने के लिए, एक्सिपिएंट्स, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, पॉसिबल इंटरेक्शन विथ ड्रग ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ एक्सिस्टिंग ड्रग। बायोअवेलेबिलिटी टू टाइप की होती है, इनके बारे में भी अपने सिलेबस में दे रखा है, तो उनकी थोड़े शॉर्ट नोट देखेंगे। बायोअवेलेबिलिटी टू टाइप की है, फर्स्ट है इसमें एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी, देखते हैं एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है। कंप्रेस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव ड्रग इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग नॉन इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन विद द सेम ड्रग फॉलोइंग इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी में क्या होता है कि कोई भी ड्रग लेते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, वो डिपेंड होता है रूट के ऊपर, मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा यूज किया है। मतलब इसमें अगर आईवी यूज करेंगे तो बायोअवेलेबिलिटी 100% होगी अदर देन अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यही लिखा हुआ है इसमें, फॉर ड्रग एडमिनिस्टर इंट्रावेनसली बायोअवेलेबिलिटी इज 100%, एब्सोल्यूट बोलते हैं इसको। डिटरमिनेशन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रूट, इसका फॉर्मूला है एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी का, FAB AUC ड्रग किससे देते हैं, IV रूट से। तो याद रखना दोस्तों इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड है रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी, कंप्रेस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए फॉर्मुलेशन ए ऑफ अ सर्टेन ड्रग व्हेन कंपेयर्ड विद अनदर फॉर्मुलेशन बी ऑफ द सेम ड्रग यूजुअली एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड। मतलब इसमें क्या है कि दो डोज देते हैं सेम ड्रग की और उसकी बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी डोज की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और कौन सी डोज की कम है। तो इसका फॉर्मूला दे रखा है नीचे, इसमें है FE AUC ऑफ ड्रग एंड स्टैंडर्ड, ये भी याद रख लेना दोस्तों। अब देखते हैं एक टॉपिक और दे रखा है, मेथड्स ऑफ असेसिंग बायो अवेलेबिलिटी। थोड़ा ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको ओरली समझा देता हूँ इसको। तो इसमें फर्स्ट मेथड है फार्माकोकाइनेटिक मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। इसमें क्या क्या आएगा, ब्लड एनालिसिस,
मतलब प्लाज्मा, जो ब्लड में प्लाज्मा है उसका एनालिसिस करेंगे। सेकंड है यूरिनरी एक्सक्रीशन डाटा। इसके बाद इसमें सेकंड है फार्माकोडायनेमिक मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स और थेरापेटिक रेस्पॉन्स, इनके बारे में देखेंगे थोड़ा डिटेल्स। फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स में देख लेते हैं। वाइडली यूज एज बेस्ड ऑन अज्यूम्सन द फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल रिफ्लेक्ट द थेरापेटिक इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग। तो इसमें देखते हैं प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज। दोस्तों अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको वीडियो के। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कर दो इसको। तो देखते हैं इसमें प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज क्या होती है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ह्यूमन बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज, मोस्ट कॉमन स्टडीज है बेस्ड ऑन अज्यूम्सन दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड एंड, मतलब रिलेशनशिप होता है ब्लड की कंसंट्रेशन और प्लाज्मा एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन। फॉलोइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए सिंगल डोज ऑफ मेडिकेशन ब्लड सैंपल आर ड्रॉन एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल एंड एनालाइज द ड्रग कंटेंट। मतलब क्या है कि सिंगल डोज एडमिनिस्टर करेंगे ड्रग की और ब्लड सैंपल लेंगे, उसके बाद कुछ टाइम इंटरवल में इसमें कैलकुलेट करेंगे कि ड्रग की डोज कितनी प्रेजेंट है। इसके बाद है अ प्रोफाइल इज कंस्ट्रक्टेड शोविंग द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड एट ए स्पेसिफिक टाइम द सैंपल वेयर टेकन, मतलब कितनी कंसंट्रेशन प्राप्त हुई। बायो अवेलेबिलिटी द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज जनरली असेस्ड बाय द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉलोइंग थ्री पैरामीटर्स, कौन कौन से हैं, सीमैक्स पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टीमैक्स टाइम ऑफ पीक अंडर एरिया अंडर द कर्व। इसके बाद सेकंड है यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज। इसमें क्या है, यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, मतलब जो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हुई है, अनचेंज्ड ड्रग है, उसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। Thus, even if a drug is excreted to some extent, at least 10 to 20% in the urine, bioavailability can be determined. Bioavailability determined की जा सकती है कौन कौन सी, जैसे example दे रखे हैं ड्रग जैसे thiazide, diuretic, sulfonamides. Method is useful when there is lack of sufficiency, sensitivity. सेंसिटिव एनालिटिकल टेक्निक टू मेजर ड्रग कंसंट्रेशन, नॉन इन्वेंसिव मेथड सो बेटर पेशेंट कंप्लेंस। सेकंड है फार्माकोडायनेमिक मेथड, पहले देखा आपने फार्माकोकाइनेटिक मेथड में प्लाज्मा पीक कंसंट्रेशन और यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज। इसमें देखेंगे एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स एंड थेरापेटिक रेस्पॉन्स। फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स में क्या है, द बायोअवेलेबिलिटी मेजरमेंट बाय फार्माकोकाइनेटिक मेथड इज डिफिकल्ट एंड एक्यूट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट सच एज इफेक्ट ऑन पुपिल डायमीटर ईईजी ईसीजी रीडिंग रिलेटेड टू टाइम कोर्स ऑफ ड्रग, मतलब कितना टाइम लेती है ड्रग इनको कोर्स करने में। बायोअवेलेबिलिटी कैन देन डिटरमाइन बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट टाइम कर्व एज वेल एज डोज रेस्पॉन्स ग्राफ, मतलब डोज रेस्पॉन्स ग्राफ से भी बायोबिलिटी डिटरमाइन की जा सकती है। इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है, इट टेंड टू बी मोर वेरिएबल, ऑब्जर्व रेस्पॉन्स मे बी ड्यू टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट हूज कंसंट्रेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ पेरेंट ड्रग। थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स मेथड में क्या है, दिस मेथड बेस्ड ऑन ऑब्जर्विंग द क्लिनिकल रेस्पॉन्स टू ए ड्रग फॉर्मुलेशन गिव टू द पेशेंट सफिशियंस फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम डिजीज, मतलब इसमें क्या है कि कोई पेशेंट किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है तो उसको ड्रग दी जाती है तो उसका इफेक्ट कितना आ रहा है उस पेशेंट में, तो उसके इफेक्ट से बायोबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।
ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके? द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मेथड इज दैट क्वांटिटेटिव ऑफ ऑब्जर्व्ड रेस्पॉन्स इज टू माय इम्प्रॉपर टू अलाउ फॉर रीजनेबल असेसमेंट ऑफ रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी बिटवीन टू डोजेज फ्रॉम द सेम ड्रग. एग्जाम्पल है इसका एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, मैनी पेशेंट रिसीव मोर देन वन ड्रग. अब देखते हैं दोस्तों, इन विट्रो एक टॉपिक दे रखा है, इन विट्रो डिजोल्यूशन मेथड. तो इसमें देखते हैं पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है. द टर्म IVIVC मतलब इसका मतलब है इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द लेट 1950 बाय वागर एट एल. USP डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू USP क्या है दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया. जैसे इंडियन फार्माकोपिया होता है वैसे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होता है. उसके अकॉर्डिंग IVIVC की डेफिनेशन देखते हैं क्या है. द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रैशनल रिलेशनशिप बिटवीन ए बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी और ए पैरामीटर डिराइव फ्रॉम ए बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी प्रोड्यूस बाय ए डोजेस फॉर्म एंड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेम डोजेस फॉर्म. FDA डेफिनेशन क्या है इसकी? A predictive mathematical model describing the relationship between an in vitro property of dosage form and in vivo response. का मतलब ये रेफ ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जो रिलेशनशिप बताता है इन विट्रो और इन विवो प्रॉपर्टी ऑफ डोजेज फॉर्म में. ये कुछ डायग्राम की मदद से समझाया गया. इसमें क्या है कि इन विट्रो का मतलब आप सिंपली समझ जाएंगे, मतलब बॉडी के बाहर किया जाता है, और इन विवो का मतलब बॉडी के अंदर किया जाता है. इन विट्रो डिजोल्यूशन टेस्टिंग मेथड देख लेते हैं एक बार क्या होता है. डिजोल्यूशन एंड ड्रग रिलीज टेस्ट आर इन विट्रो टेस्ट दैट मेजर रेट एंड एक्सटेंट ऑफ डिजोल्यूशन और रिलीज ऑफ द ड्रग सबस्टेंस फ्रॉम द ड्रग प्रोडक्ट यूजुअली एक्वस मीडियम अंडर स्पेसिफिक कंडीशन. इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर फॉर द ड्रग प्रोडक्ट एंड लिंक टू प्रोड्यूस परफॉर्मेंस इन विवो. नीड क्या होती है इसकी डिजोल्यूशन टेस्टिंग की? इवेल्युएशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी को इवेल्युएट करने के लिए बेस्ट टू बेस्ट ड्रग रिलीज यूनिफॉर्मिटी चेक की जाती है इसके द्वारा. डेवलपमेंट ऑफ मोर एफेसियस एंड थेरापेटिकली ऑप्टिक डोजेस फॉर्म एंश्योर क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च एंड एप्लीकेशन. इसके बाद लेवल है इसकी, चार लेवल हैं. देर आर फोर लेवल ऑफ IVIVC दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन FDA गाइडलाइंस विच इंक्लूड लेवल A, B, C एंड मल्टीपल C. द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन लेवल इज बेस्ड अपॉन द एबिलिटी ऑफ कोरिलेशन टू रिफ्लेक्ट द कंप्लीट प्लाज्मा ड्रग टाइम प्रोफाइल विच वी रिजल्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग गिवन डोजेस फॉर्म. ऐसे समझाया इसको, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी और मल्टीपल सी, इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अपन. अब देखते हैं इन विवो इन विट्रो कोरिलेशंस क्या क्या कोरिलेशंस. बायो इक्विवेलेंस स्टडीज ये एक और इसी के अंदर है हमारे बायो, जैसे बायोअवेलेबिलिटी है वैसे बायो इक्विवेलेंस, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत. टू कंपेयर द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द जेनरिक ड्रग प्रोड्यूस्ड ब्रांड नेम प्रोडक्ट. बायो इक्विवेलेंट ड्रग दैट हैव सम सिस्टमिक बायोअवेलेबिलिटी विल हैव सम प्रेडिक्टेबल ड्रग रेस्पॉन्स. स्टिल वेरिएबल रेस्पॉन्स में अकर ड्यू टू एस टॉलरेंस, मतलब किसी भी ड्रग की जो इफेक्ट आता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है कि पेशेंट की एज क्या है, ड्रग टॉलरेट है या नहीं, ड्रग को इंट्रैक्शन है या नहीं, डिजीज क्या है, इसके अकॉर्डिंग उसका इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. मेथड ऑफ एनहांसिंग बायो अवेलेबिलिटी कौन कौन से मेथड हैं ये भी एक टॉपिक दे रखा है. मेथड्स के बारे में देख लेते हैं, डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे इसके बारे में भी. एनहांसमेंट ऑफ ड्रग सोलिबिलिटी कौन से हैं? माइक्रोनाइजेशन, नैनोनाइजेशन, SFR, SFL, EPS, यूज ऑफ सर्फेक्टेंट, मॉलिकुलर एनकैप्सुलेशन विथ साइक्लोडेक्सट्रिन, एटोटिक मिक्सचर्स. दोस्तों ये सब आप सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं. एटोटिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं,
सेकंड है इसमें एनहांसमेंट ऑफ ड्रग परमीएबिलिटी। परमीएबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे? लिपिड टेक्नोलॉजी, आयरन पेयरिंग, पेनिट्रेशन एनहांसर, एनहांसमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, एंट्री कोटिंग, कॉम्प्लेक्सेशन, यूज ऑफ मेटाबोलाइट इनहिबिटर। फोर्थ है एनहांसमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिटेंशन, GRDDS। तो ये डिफरेंट्स मेथड्स हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।